राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के जो विधायक हैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लिए? देखिए, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संयम लोढ़ा जी लेकर आए, वो विधानसभा की संप्रभुता का सवाल है, बड़ा इश्यू है, बड़ा मुद्दा है। विधानसभा अध्यक्ष के पास बीजेपी के सब विधायक जाते हैं, वो मामला पेंडिंग चल रहा है, उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। तो जो बीजेपी के विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उनको बीजेपी नहीं पूछ रही, तो उसमें हम क्या करें? तो अब बीजेपी नहीं पूछ रही है भाई साहब, तो आपने तो विधानसभा को चैलेंज कर दिया। आप जिस विधानसभा के विधायक है, वो उस विधानसभा की पावर अपने आप में किसी कोर्ट से कम नहीं है। इस देश में विधायिका और न्यायपालिका अपनी अपनी जगह पावर रखती है। विधायिका के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती, लोकसभा के काम में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, विधानसभा के काम में हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। और जब मामला विधानसभा में पेंडिंग है, तो आप अखबारों में छपने के लिए, टीवी में आने के लिए, बीजेपी को दबाव में लेने के लिए आप चले गए हाई कोर्ट में। तो जब विधानसभा सक्षम है ये सब काम करने के लिए, तो आप विधानसभा को नीचा दिखाना चाहते हैं। जो विधायक विधानसभा का सगा नहीं हो सकता जीत कर आया, वो राजस्थान का भी सगा नहीं हो सकता। तो बीजेपी बताए कि विधानसभा की प्रभुता कम क्यों करना चाहती है बीजेपी? केंद्र की इनकी सरकार जो है मोदी जी की, वो तो कह रही है कोलेजियम के खिलाफ बात करती है, सब कुछ करती है, यहाँ ये विधानसभा को कमजोर करने में लगे। तो मेरे इनके आपस में समझ में नहीं आ रहा, ये कितना भी कर ले, लेकिन विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, संप्रभुता बनाए रखना बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी।